नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं ड्रामा के बारे में बताऊंगा, एक डरावनी फिल्म जिसका नाम है हूज वॉचिंग ओलिवर। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। ओलिवर एक शर्मीला अंतर्मुखी व्यक्ति है जो गोलियां लेने और अपना लैपटॉप निकालने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से थाईलैंड चला गया है। वह अपनी माँ से संपर्क करता है जो अपने बेटे की हर हरकत को नियंत्रित करती है। महिला ओलिवर को देखकर खुश होती है। वह पूछती है कि वह वहाँ कैसे बस रहा है। उसी समय वह लड़के की शक्ल से बहुत खुश नहीं होती है और अगली सुबह अगली वीडियो कॉल के दौरान उसे इसे ठीक करने के लिए कहती है। ओलिवर अपना वयस्क और स्वतंत्र जीवन शुरू करता है। वह अपनी माँ से हजारों किलोमीटर दूर होता है। युवक साफ सफाई करता है, अपने जूते चमकाता है और एक पूरी तरह से स्त्री की हुई शर्ट चुनता है। ओलिवर किसी समय टहलने जाने की योजना बनाता है। ओलिवर दरवाजे पर एक बिल्ली को देखता है। वह उसे भगाता है लेकिन जल्द ही उसे पछतावा होता है क्योंकि वह जानवर को खाना खिलाना चाहता है और थोड़ी देर बाद उसकी देखभाल करना चाहता है। शर्मीला लड़का टहलने जाता है और अपने साथ एक पुराना कैमरा ले जाता है। ओलिवर नए शहर का आदि होने की कोशिश कर रहा है। लड़के का विशेष ध्यान पार्क की ओर जाता है जहां वह एक बेंच पर बैठता है और शाम को अन्य लोगों के जीवन को देखता है। ओलिवर निकटतम बार में जाता है और खुद से बात करते समय सुंदर लड़कियों को दिलचस्पी से देखता है और लड़की से मिलने की योजना के बारे में सोचता है। वह एक खूबसूरत महिला को अकेले शराब पीते हुए देखता है। वह उसे मना कर देती है क्योंकि वह उससे मिलने के लिए पर्याप्त नशे में नहीं है, लेकिन वह उसे मना करने का वादा करके अपने घर में आमंत्रित करता है। लड़की इससे सहमत है क्योंकि उसे मौज मस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं है और ओलिवर के घर पर एक बार थोड़ा सा रिचार्ज करने से उसे वह मिल जाता है जिसकी वह उम्मीद कर रही थी और वह पाउडर का उपयोग करने में सफल हो जाती है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि लड़के ने उसे धोखा दिया है। यह पता चला कि वह मामूली आदमी था। वह एक वास्तविक मनोरोगी थी और एक मजेदार शाम के बजाय लड़की अपनी माँ से संपर्क करने के बाद एक वास्तविक दुःस्वप्न में थी। ओलिवर ने जानबूझकर लड़की को नशीला पदार्थ दिया और उसे मेज से बांध दिया। लड़के की माँ को अन्य लोगों को पीड़ित देखना पसंद है और वह अपने बेटे को इसका फायदा उठाने के लिए मजबूर करती है। एक असहाय लड़की ने अपना गंदा काम किया। ओलिवर ने उस दुर्भाग्यपूर्ण लड़की को चाकू से मार डाला और इस तरह अपनी पागल माँ को खुश किया। बातचीत के अंत में महिला ने अपने बेटे को और अधिक संयमित रहने के लिए कहा ताकि अगली बार तमाशा इतना छोटा न हो। अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल के बाद ओलिवर ने लड़की से माफ़ी मांगी। हालांकि उसे अब कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह पहले से ही दूसरी दुनिया में है। वह यह सब करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसकी माँ उससे ऐसा करवाती है और वह लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करती है। ओलिवर चाहेगा लंबे समय तक अपने अपराधों को रोकने के लिए, लेकिन वह बुजुर्ग महिला का खंडन करने में असमर्थ रहा। बाद में ओलिवर ने आरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके बाथरूम में फर्श और दीवारों से खून धोकर सबूत मिटा दिए और लड़की के शरीर को ठिकाने लगा दिया। फिर बैगों को पिछवाड़े में ले जाता है और अगले दिन उन्हें एसिड की एक बैरल में डुबो देता है। यह पिछले वाले से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि अब ओलिवर के पास एक बिल्ली है जिसे उसे शहर में घूमने के बाद खाना खिलाना है। वह पार्क में जाता है और ले जाता है। वही बेंच हमेशा की तरह किसी बिंदु पर पास में चल रही एक लड़की को नोटिस करती है। वह उस शर्मीले लड़के को जानने का फैसला करती है। लड़की उसे अपने सपनों के बारे में बताती है और इस तरह वह अपनी असाधारण कहानी के साथ ओलिवर को दिलचस्पी लेने में सक्षम होती है। इसके बावजूद वह अपने सामान्य शेड्यूल पर रहता है और अजनबी को अलविदा कहने के बाद घर चला जाता है। लौटने पर ओलिवर कपड़े उतारता है और गोलियां लेता है और अपनी माँ से संपर्क करता है। वह फिर से उसके गौरव को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन महिला आज थक गई है और वह अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए उनकी बातचीत कम समय में खत्म हो गई। सबूत ओलिवर बैरल से आखिरी शिकार की हड्डियां लेता है और उन्हें बैग में रखता है जिसे वह बाद में पास की नदी में डुबो देता है। थोड़ी देर बाद वह ऐसे चित्र बनाता है जो उसे उसके गंदे कामों से विचलित कर देता है। अपने कठिन बचपन को याद करते हुए ओलिवर बिल्ली को बताता है
कि उसके माता पिता वे असली राक्षस थे। एक बार उसके पिता ने अपने बेटे को आग लगा दी थी और उसकी माँ ने अपने पति को मारकर उसे बचाया था। उसी क्षण से वह अपने जीवन का श्रेय अपनी माँ को देता है और वह उसका खंडन करने का साहस नहीं कर सकता। हालांकि लड़के को अगले दिन उसके जैसा राक्षस नहीं बनना चाहिए। सुबह ओलिवर उस आकर्षक अजनबी से फिर मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम सोफिया नाम की लड़की है। फिर वह उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और उसमें उसकी रुचि जगाने की कोशिश करता है। उसे उसका हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए सोफिया रफल्स ओलिवर के बाल काट देती है, जिससे उसकी उपस्थिति कम खराब हो जाती है। घर लौटने पर लड़का अपनी माँ से बात करने और उससे सपनों के बारे में पूछने का फैसला करता है, लेकिन चिढ़ी हुई महिला उस पर चिल्लाती है और बातचीत को समय से पहले खत्म कर देती है। ओलिवर सोफिया के साथ एक और डेट पर जाता है। डेट की शुरुआत लड़की द्वारा ओलिवर को प्यार और दवा में एक अद्भुत कंगन देने से हुई। लड़की की सुंदरता ओलिवर अपने नियमों को तोड़कर कहीं भी उसका पीछा करने के लिए तैयार है। वह सोफिया के साथ कैटामरन और अन्य आकर्षणों की सवारी करते हुए समय बिताता है। यह एक शानदार तारीख थी जिसके दौरान ओलिवर को एहसास हुआ कि वह अब अपनी माँ के मनोरंजन के लिए लड़कियों को नष्ट नहीं करना चाहता। वह एक शुरुआत करने के लिए तैयार है। शाम को नया जीवन वह दर्पण के सामने अपनी माँ के साथ एक संवाद का अभ्यास करता है, जिसमें वह उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहता है और जल्द ही हिंसा त्यागना चाहता है। ओलिवर पहले मिनटों से अपनी माँ के साथ फोन पर बात करता है और उसकी आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करता है। जो कुछ हो रहा है उससे माँ अपने बेटे के हेयर स्टाइल, उसकी बांह पर कंगन और इस तथ्य से नाराज है कि उसने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं। महिला सचमुच ओलिवर के प्रति आसक्त है और क्योंकि कोई लड़की नहीं है, माँ उसे अपने सामने गंदी हरकतें करने के लिए मजबूर करती है। कैमरे से संतुष्ट नहीं होने पर माँ अपने बेटे को एक एशियाई लड़की की तलाश में जाने के लिए मजबूर करती है और समस्या को हल करने के लिए उसे कुछ घंटों का समय देती है। ओलिवर अपनी माँ का खंडन नहीं कर सकता है और वह एक आसान गुण वाली लड़की को सही शक्ल में ले लेता है। वह अपनी माँ को दिखाता है नग्न ब्यूटी और फिर अपनी अगली डेट के दौरान उसके मनोरंजन के लिए अपना गंदा काम फिर से करती है। सोफिया ने नोटिस किया कि ओलिवर परेशान लग रहा है और बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है और वह कबूल करता है कि उसकी माँ भयानक है और वह उसके नियंत्रण से थक गया है। सोफिया अच्छी तरह से समझती है कि ऐसे माता पिता का होना कैसा होता है जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वह एक संप्रदाय में पली बढ़ी है और उसे कष्ट सहने की आदत है। उसका परिवार अभी भी उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और उसे बता रहा है कि उसे क्या करना है, लेकिन वह स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही है और वह ऐसा करती है। सोफिया अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। सोफिया को ओलिवर के साथ खुशी पाने की उम्मीद है। लड़के को एहसास होता है कि वह भयानक है और इतनी खूबसूरत महिला के लिए अयोग्य है और इसीलिए वह भाग जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि सोफिया ने शाम को उसका पीछा करने का फैसला किया है। ओलिवर वीडियो कॉल के लिए थोड़ी देर हो गई और वह अपनी गोलियां लेना भूल गया। अपनी माँ के साथ बातचीत में उसने कबूल किया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और अब वह उसे मारना नहीं चाहता। माँ इस स्थिति से नाराज है क्योंकि वह अकेली है जिसे उसकी जरूरत है। महिला को यकीन है कि सोफिया उससे दूर भाग जाएगी अगर उसे पता चला कि ओलिवर एक मनोरोगी और हत्यारा है। फिर से अपने बेटे को मनाती है। माँ उसे अपनी प्यारी लड़की को घर लाने और उसकी माँ के सामने उसे मारने के लिए मजबूर करती है। ओलिवर सहमत होता है और किसी खूबसूरत लड़की को ढूंढने के लिए निकटतम बार में जाता है और अपनी माँ को बताता है कि यह सोफिया है। अचानक उसे मतिभ्रम का दौरा पड़ता है और उसे एहसास होता है कि वह उस लड़की को पर्याप्त रूप से नहीं जान सकता है। लड़का अपनी जेब से डॉलर के नोटों का एक गुच्छा निकालता है। आगंतुकों में से कुछ पैसे के लालच में पड़ गए और उसके घर जाने के लिए सहमत हो गए, यह नहीं जानते हुए कि यह उसके लिए कैसे समाप्त होगा। ओलिवर पहली लड़की को ले जाता है जिससे वह मिलता है और उसे सोफिया कहता है। लड़का पागल होने लगता है और खुद पर नियंत्रण खो देता है क्योंकि उसने नहीं लिया है उसकी गोलियां। एक बिंदु पर वह लड़की पर हमला करती है और उसकी माँ से बात करने के बाद वह अजनबी को खत्म कर देती है
और उसे उसके दुख से बाहर निकाल देती है। अगले दिन ओलिवर और सोफिया पार्क में फिर से मिले। लड़का उदास मूड में है और लड़की उसे इसके बारे में बताती है। उसके अगले सपने में उसने उसे उसकी मालकिन के साथ देखा। ओलिवर का कहना है कि यह असंभव है और सोफिया उससे सहमत है क्योंकि कल वह पूरी रात उस लड़के को देख रही थी। जब उसने उसे किसी अन्य महिला की बाहों में देखा तो वह उन दोनों को मारना चाहती थी, लेकिन फिर ओलिवर ने लड़की के शरीर के अंगों को तेजाब की एक बैरल में डुबो दिया और सोफिया को भी आश्चर्य हुआ कि वह लड़के के कृत्य से डरती नहीं है और वह उसे वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार है जैसे वह है, क्योंकि वह ओलिवर के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती है। इसके अलावा सोफिया समझती है कि करीबी लोग कैसे कर सकते हैं इन शब्दों को सुनकर अपने जीवन को नियंत्रित करें। लड़का अपनी अगली डेट के बाद खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। ओलिवर अपने पुराने जीवन को समाप्त करने का फैसला करता है। वह अपनी माँ के कॉल का जवाब नहीं देता है। अगली सुबह वह सोफिया से मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन लड़की पार्क में दिखाई नहीं देती है। ओलिवर पूरे सप्ताह सोफिया का इंतजार करता है। वह सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता है, लेकिन लड़की नहीं आती है। ओलिवर इसे बहुत सहता है और उदास हो जाता है। वह ठगा हुआ और ठगा हुआ महसूस करता है। जल्द ही वह खुद पर नियंत्रण खो देता है और अपनी माँ को फिर से फोन करता है और बताता है कि सोफिया चली गई है। वह चालाक महिला अपने बेटे को याद दिलाती है कि उसकी माँ ही एकमात्र व्यक्ति है जो उससे प्यार करती है। उसने ओलिवर को बचाने के लिए अपने पति को भी नष्ट कर दिया, यह महसूस करते हुए कि किसी को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ चश्मे वाला मनोरोगी हर दिन अपने गंदे काम में वापस आ जाती है। घर की नादान और भरोसेमंद लड़कियाँ जिन्हें वह अपनी माँ को खुश करने के लिए उनके सामने नष्ट कर देता है। इनमें से एक दिन सोफिया ओलिवर के घर की दहलीज पर दिखाई देती है। वह आरी के साथ खूनी एप्रन में लड़के से बिल्कुल भी नहीं डरती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है और चाहती है उसके साथ रहने के लिए। सोफिया अपने परिवार के साथ समस्याओं के कारण गायब हो गई, लेकिन वह भागने में सफल रही क्योंकि प्यार बंधनों से अधिक मजबूत है। ओलिवर की माँ देखती है कि क्या हो रहा है और मांग करती है कि लड़की को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उसका बेटा उसके अनुनय के आगे नहीं झुकता और वीडियो समाप्त कर देता है। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद करके कॉल करें। युगल नष्ट हो चुकी लड़की के शरीर के बगल में प्यार करता है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओलिवर के पास एक और मानसिक हमले के दौरान गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह अपनी माँ और आज्ञाकारी को बुलाता है। एक बार फिर से जुनूनी ओलिवर एक पकड़ लेता है, चाकू से अपनी प्यारी सोफिया को मार डालता है और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।